हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह से हम कैश के प्राइस को सी डेटा वाली शीट से हमने यहाँ पर फिल्टर किया था रॉ रॉ शीट में। अभी रॉ शीट में ही हम ये फ्यूचर का भी प्राइस यहाँ पर फिल्टर कर लेंगे, देन उसके बाद हम उसको पेस्ट वाली शीट में ले जाएंगे यहाँ। तो अभी रॉ शीट में आते हैं। यहाँ फ्यूचर के सामने हम लोग डेटा इंपोर्ट करते हैं इस वाली शीट से, ठीक है, कैश डेटा की शीट से ले आते हैं। यहाँ स्क्वल टू टाइप करेंगे, फिल्टर का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। हम एक फिल्टर का फंक्शन यूज करते हैं। अगर किसी को हेल्प इसमें चाहिए तो यहाँ पर देखिए कि फिल्टर का फंक्शन यूज करते टाइम पे आपको क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या इसमें है। तो फिल्टर में मेनली आपको पहले तो रेंज सेलेक्ट ही करना पड़ता है। रेंज मीन्स आप किस जगह से वो डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स ये पूरा हो गया, तो जहाँ तक आपका डेटा है वो पूरा रेंज होता है, ठीक है। तो और इसमें आएंगे, फिर आपका कंडीशन लगा होता है, जो जो भी कंडीशन आपको देना है, एक दो तीन कंडीशन जो भी आप देना चाहो, ठीक है। तो फिल्टर अभी हमने लगाया, फिल्टर के बाद इसमें ब्रैकेट ओपन हो गया। यहाँ जाएंगे हम एफ डेटा में, फ्यूचर डेटा, यहाँ पे ए फोर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे शायद, यहाँ पे एक मिनट फिर से लगा लेते हैं फिल्टर, और रेंज हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसमें आएंगे रेंज, देखिए यहाँ से ए फोर से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम ओ 60,000 तक करेंगे। क्यों 60,000 तक, 50,000 तक कर लेंगे। नीचे एक्चुअली फ्यूचर डेटा आप देखेंगे तो यहाँ फ्यूचर डेटा जो है आपका टोटल, उसमें ऑलमोस्ट 55,000 रो है, ठीक है। यहाँ देखिए आप ये, तो इसका मतलब हमें इसीलिए 60,000 तक मैं कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी, ठीक है, ये हमने कर लिया। ओके, उसके बाद हम इसको कर देते हैं F4 से लॉक। F4 प्रेस करेंगे, लॉक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए चल भी रहा है। F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। कंडीशन अब पूछ रहा है कि क्या कंडीशन है आपकी। कंडीशन हमारी क्या है कि हमको इसमें से रिलायंस के प्राइस ढूंढने हैं, ठीक है। रिलायंस के प्राइस किधर आएंगे, सिंबल में आएंगे, ठीक है। तो सिंबल का हमको रेंज सेलेक्ट करना है। तो सिंबल का कंडीशन है, ये जो कंडीशन है हम सिंबल के लिए दे रहे हैं। अब पहली कंडीशन कि जो ये वाला कॉलम है बी, ठीक है, यानी बी ये वाला, ठीक है, इसको 60,000 तक ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ बी फोर से लेके यहाँ पर हम 60,000 तक कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, इसको भी हम F4 से लॉक कर देते हैं। तो अब हम इसको ये बता रहे हैं, पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा सिंबल वाला कॉलम है इसमें से आप हमको क्या ढूंढ के दिखाओ, रिलायंस, हमको रिलायंस वाला डेटा अलग करके दिखाओ, ठीक है। तो रिलायंस वहां पर है तो हम इसमें आएंगे, क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल टू लगा दिया। हम चाहें तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा करके रिलायंस लिख सकते हैं, तब भी आएगा, बट हमने तो रिलायंस पहले ही लिख रखा है, तो हम जहाँ पर रिलायंस लिख रखा है वहीं पर जाते हैं। यहाँ आएंगे और ये हमने रिलायंस लिख ही रखा है यहाँ, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो इसको हमने बता दिया कि जो आपका सिंबल वाला कॉलम है उसमें आप हमको B6 ढूंढ के दीजिए, मतलब रिलायंस ढूंढ के दीजिए। ओके, रिलायंस जब फिल्टर करके दे देंगे। अब एक तो ये चीज हो गई कि आपका इतने में भी आ जाएगा, ठीक है, रिलायंस का आपका ये डेटा आ जाएगा F डेटा, ठीक है। और इसमें एक चीज और हम कर सकते हैं, एक फिल्टर और लगा ले तो वो और अच्छा चल रहेगा। एक कंडीशन और लगा लेते हैं, कॉमा लगाते हैं, कंडीशन दूसरा दे देते हैं हम इसको कि हमको यहाँ पर क्या चाहिए, ऑप्शन नहीं चाहिए, फ्यूचर चाहिए, नहीं तो वो पूरा का पूरा डेटा निकाल लेगा। अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ। चलिए तो यहाँ पे हम अगर ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं, अब देखिए आपके सामने क्या होगा, रिलायंस का फ्यूचर और ऑप्शन पूरा दिखा देगा, ठीक है। तो आपको तो अकेले फ्यूचर चाहिए, तो यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे। दूसरी कंडीशन के लिए हम यहाँ कॉमा लगाएंगे। अब हम दूसरी कंडीशन ये देंगे कि आप हमको सिर्फ क्या दो, सिर्फ फ्यूचर स्टॉक, FUTST के। तो
तो देखिए ये वाला वर्ड भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है एडवांस में, हम चाहें तो इसको भी आप मैन्युअली लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो ये वाला सेल का रेफरेंस हम वहाँ देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉमा लगा लिया है, अब हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, एफ डेटा में जाएंगे, हम सेलेक्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट वाला, क्योंकि अभी हमको यहाँ का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला में, इसी वाले फॉर्मूला में, इसी वाले फंक्शन में A4 से लेके A60,000 तक हम जाएंगे, ठीक है। ओके, A60,000 तक जाएंगे, उसके बाद हम ये यहाँ पर तो आपको लिखना है, अब इसको भी F4 से लॉक कर लेते हैं, ठीक है, लॉक कर लिया। इसमें हमको क्या चाहिए, स्वॉल टू लगाया, हमारी कौन सी कंडीशन हमको चाहिए, फ्यूचर स्टॉक उसमें आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, ओके ठीक है। ये आप देखेंगे आप तो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्यूचर का डेटा मिलेगा, यहाँ पे आपने देखा था अभी तक फ्यूचर और ऑप्शन दोनों आपको डेटा मिल रहा था, ये सारे रिलायंस का। अब जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे आपके सामने सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर का डेटा रह जाएगा, बाकी सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, फ्यूचर का प्राइस आपको इस तरह से फिल्टर कर लेना है। अब सपोज दैट थोड़ा सा आप और ज्यादा वो होना चाहते हो कि आपको डेटा में एरर ना आए, तो आप एक कंडीशन और दे सकते हो। वो क्या कंडीशन, आप सोच रहे हो कि जो डेट है मेरे को डेट भी फिल्टर होके आना चाहिए, जो मैं डेट डाल रहा हूँ उसी डेट का आना चाहिए, ठीक है। आपका मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेस्ट वाले में आपको करंट एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी, फार एक्सपायरी तीनों लिख लेना है, तीनों ही आप अपना चेंज करते रहेंगे तो वो अच्छा है। ये मैनुअली वाला थोड़ा मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ, ये आप ऑटोमेटिक भी बना सकते हो, सिंपल है। आप सपोज दैट आप क्या कर सकते हो, यहाँ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, पेस्ट वाले में आ करके यहाँ आप इसको सेलेक्ट कर दो, स्क्वल टू टाइप करो, और यहाँ आके रॉ में आके यहाँ सेलेक्ट कर दो। आपको ये वाला डेटा, मीन्स जो डेटा आपका फ्यूचर शीट पे यहाँ पर आया है, ठीक है, आपने यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर लिया। लेकिन मैं दूसरा तरीका क्या बता रहा हूँ कि हम पहले डेटा डाल दें, हम पहले डेट डाल देंगे, उसके बाद डेटा को हम यहाँ पर फिल्टर करेंगे। तो ये दोनों चीजें आप अपनी मर्जी से जैसे आपका मन करे वैसा कर सकते हो। लाल, मैं तो अपनी एंट्री को तो अपने हिसाब से डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो वैसा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें भी, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो अब आपके पास देखिए इसमें फ्यूचर का और कैश का दोनों प्राइस आ गया है, ठीक है, फ्यूचर का और कैश का प्राइस दोनों आ गया है आपके पास। अच्छा एक चीज और है इसमें, आप यहाँ पर एक और रो इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है, इसमें जा करके इसमें रो इसलिए इंसर्ट कर रहे हैं, ये वाला देखिए, ये हमको तो चाहिए ही चाहिए, कंट्रोल सी, वो कॉपी कर लेंगे हम पहला वाला रो, क्योंकि हमको तो चाहिए वहां पर, और यहाँ के इंस्ट्रूमेंट सिंबल एक्सपायरी ये भी कर लेंगे, ठीक है। आपके पास ये अब समझ लीजिए कि रेडी हो गया है बिल्कुल यूज करने के लिए, अब ये आपका रेडी हो चुका है, तो ठीक है, जो भी आपको इसमें करना है आप इसको कलर कर लीजिएगा, ठीक है, डेटा, ठीक है। अब हम इस डेटा को जो यहाँ पर हमने रॉ में फिल्टर कर लिया है, हम इसको पेस्ट में ले आएंगे, ओके। पेस्ट में ले आने के बाद हम पेस्ट से फिर सीधा अपने शीट पे आ जाएंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा अपना स्टॉक के लिए, ओके। तो हम यहाँ पर डेट लिख रहे हैं, डेट के बाद आप यहाँ सिंबल का ओपन हाई लो क्लोज सारा लिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा और एक दो इंसर्ट कर लेते हैं रो, ठीक है, तो बाद में कुछ ज़रूरत हो तो हम लोग यूज़ करेंगे सी। उसके बाद यहाँ पे ओपन, ठीक है, आपको मैं यहाँ से कॉपी करके दे देता हूँ, आप ये देख लीजिए सबसे अच्छा, क्यों मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ इसमें। ऐसा अपना एक टेम्पलेट हम बना लेंगे, ठीक है।
इसमें रिलायंस का कैश, ओपन हाई लो क्लोज, ये सारा आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आसान होगा थोड़ा आपके लिए, ऑलरेडी बता रखा है ये यहाँ। ठीक है, मीन्स आप यहाँ रिलायंस का कैश का और ओपन हाई लो क्लोज ये सारा आपको करना है। तो इसमें कैसे करेंगे आप, इसके ऊपर ये वाले में यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ आपको स्क्वल टू टाइप करना है, ओपन आपको चाहिए तो इसलिए रॉ में आएंगे आप। इसका ओपन क्या है, ये रहा आपका। ठीक है, क्योंकि अभी आप कैश में हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका रिलायंस कैश है। ठीक है, ये रिलायंस कैश है, तो यहाँ पर आप जो डेटा उठा रही हैं रिलायंस कैश का ही लेंगे, ये कैश वाला। ठीक है, और जब हम इसमें आ जाएंगे फ्यूचर वाले में, तो हम यहाँ से फ्यूचर वाला लेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा मैं फटाफट करता हूँ, आप इसको देखते रहिएगा और उसके हिसाब से करिएगा। ओपन स्क्वल टू क्लोज के लिए हम इधर आएंगे, क्लोज भी हम ले लेंगे यहाँ पर, क्लोज प्राइस के। उसके बाद यहाँ आएंगे हाई के लिए, हम हाई वाला प्राइस ले लेंगे। ठीक है, ये हाई है। ठीक है, लो के लिए लो वाला प्राइस ले लेंगे, यहाँ आएंगे। ठीक है, लो के लिए लो प्राइस ले लेंगे। ओके, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी ये रही। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी के लिए आपको वॉल्यूम और ये रहा आपका यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी। ओके ओके, ठीक है। आपका यहाँ पर क्लोज आपको चाहिए किसका, रिलायंस की फ्यूचर का। तो जो करंट एक्सपायरी है उसकी क्लोजिंग क्या हो रही है वही यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम। स्क्वल टू रॉ में आएंगे, सेटल प्राइस। ओके, इस मंथ की जो करंट एक्सपायरी है उसका सेटल प्राइस, यहाँ आएंगे वॉल्यूम डालेंगे, इस पे आएंगे टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके। ठीक है, टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए वॉल्यूम में डाल देंगे। मंथ वन का मींस आप अभी करंट एक्सपायरी का कितना आपका है ओपन इंटरेस्ट, ये रहा। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट आपका करंट मंथ का रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम। एक मिनट, यहाँ पर आपको ये भी चाहिए कि आपको इस मंथ का आपको टोटल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओआई चाहिए, तो आपको क्या करना है, आप काम कर सकते हो, इसके लॉट साइज से आप डिवाइड कर लो। ठीक है, स्क्वल टू रॉ पे जाइए, यहाँ इसको सेलेक्ट करिए, डिवाइड कर दीजिए आप इसके इससे। ठीक है, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो इतना आ जाएगा 128,400। ठीक है, मंथ टू का देख लेते हैं हम। मंथ टू का स्क्वल टू यहाँ पर आएंगे, रॉ रॉ में आएंगे हम, ओपन इंटरेस्ट ऑब्लिक जो अपना लॉट साइज है वो कर देंगे, डिवाइडेड बाई लॉट साइज। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हम मंथ थ्री का कर लेंगे, स्क्वल टू रॉ मंथ थ्री ऑब्लिक लॉट साइज। ठीक है, ओके, तो हमारे पास अभी क्या क्या डेटा आ गया रिलायंस का, हम रिलायंस के लिए बात कर रहे हैं अभी, आ गया है। ठीक है, और यहाँ आकर के हम डेट का भी एक बार कर लेंगे, स्क्रॉल टू और जो अपना करंट डेट है वो डालेंगे। ठीक है, ये डाल देंगे यहाँ पर, और वहाँ पे आपको मैंने बताया है टुडे फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ टुडे यूज़ कर लेंगे, तो वहाँ उस दिन का डेटा रहेगा, जिस दिन आप मार्केट ओपन रहेगी उस दिन का डेटा आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने वही डेटा ले लिया, अब इसको हम कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ अपना हम एंट्री शुरू कर देंगे, कंट्रोल वी। ठीक है, ओ सॉरी,
कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और वी, ठीक है। सिर्फ हमें वहाँ पे जो हमने यहाँ से लिया है उसका सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर ये चाहिए, डेटा डेटा चाहिए, ठीक है, नंबर्स चाहिए केवल। तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, समझ रहे हैं, जो नंबर है उसके, कंट्रोल शिफ्ट वी मीन्स सिर्फ वैल्यू चाहिए हमको, जो वैल्यू वहाँ पे है वो चाहिए। तो चाहिए यहाँ पे डेट का फॉर्मेट चेंज कर देना है, यहाँ पे डेट कर देना है, ठीक है, और इसी को आप करते जाइएगा। सॉरी, ये जब आप अगली बार जब इसको आप करेंगे कंट्रोल सी, सपोज दैट हम अगली डेट का ले लेंगे, आप तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आइए, 01/09/2021, शायद फर्स्ट नाइट, फर्स्ट को तो खोली थी मार्केट, हाँ ट्यूजडे था, ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो। बिल्कुल, यहाँ 1-9 डाला हमने, अब वहाँ डाला तो 1-9 यहाँ पे भी हो गया, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ आएंगे हम और मार्केट का डेटा फेच करेंगे, ओके। अब फर्स्ट का डेटा आएगा इसमें, पहली तारीख का, यहाँ देखिए पहला स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया, फ्यूचर का भी डेटा ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए आपको दिखे गए हैं, ठीक है, बी स्क्रिप्ट रन कर रहा है, यहाँ देखिए चेंज हो जाएगा, यहाँ जैसे ही कंप्लीट होगा वो डेटा आ जाएगा, यहाँ क्लोजिंग प्राइस वगैरह ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैं भी शायद कहीं कुछ अपना स्क्रिप्ट में एरर है, एक बार चेक कर लेते हैं इधर, ओके। देखिए आप यहाँ, यहाँ पे हमारा अगस्त लिखा हुआ है इसलिए रन नहीं कर रहा है, इसको कैंसिल करते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए सितंबर आ गया है यहाँ, लेकिन अभी तक अगस्त ही है, मीन्स कुछ तो इशू है। तो यहाँ जाते हैं हम, यहाँ पर ओके 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 ओके, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हुई है गलती हमसे, यहाँ तक ही सेव करना है हमको, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक ही हमको सेव करना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे और यहाँ कर देंगे हम FO, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अब इक्वल टू ये AH एंड सेप्टेम्बर, AO एंड FO एंड AN एंड, ठीक है, आई थिंक ये शायद कंप्लीट हो जाए, एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको, URL पेस्ट करते हैं ब्राउज़र में, लगता है कुछ तो एरर है, तो शायद इसमें हमने टेस्ट शीट कहीं लिया है क्या, टेम्पररी शीट, हाँ ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, ये रहा, तो इसमें अपना इसको हम कॉपी करके देख लेते हैं, कुछ तो एरर हुआ है, हाँ मीन्स ये लिंक काम कर रहा है, तो हमको ऐसा वाला ही लिंक बनाना है, ठीक है, ये वाला लिंक एक बार कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ और यहाँ आ जाते हैं एक बार, सॉरी ये थोड़ा टाइम डिले हो रहा है, हमको इस तरह का लिंक बनाना है, डेरिवेटिव 2021 और स्लैश है, ठीक है, स्लैश 2021, स्लैश, ओके,
स्लैश करके हम छोड़ देंगे, स्लैश ठीक है। और यहाँ जो F4 लिखा है उसके पहले पे भी स्लैश करेंगे लगाएंगे, ठीक है, स्लैश ठीक है, AUG स्लैश F4 20 अगस्त, ठीक है, हो गया ठीक है। अब इसमें देखिए हम आ गए क्या, यहाँ पर 2021 स्लैश मंथ स्लैश FO स्लैश स्लैश FO के बाद 01, हाँ ठीक है, ये अब रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं, हमारा ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ ये कॉपी करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, हाँ वर्क कर रहा है ये, ओके। अब हम इस पे आते हैं, अब आप देखेंगे इसमें फ्यूचर डेटा अगर हम इंपोर्ट करेंगे, यहाँ ये आप भी उसको बिल्कुल लिंक को बिल्कुल एक एक चीजें देखिएगा, गलतियां हो सकती हैं, हमसे भी हो जाती हैं। आप फ्यूचर डेटा के स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो फ्यूचर डेटा यहाँ देखिएगा चेंज होगा, 2274 लिखा है ना, ठीक है। हो गया चेंज, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों स्क्रिप्ट मेरे रन कर रहे हैं अभी, कैश का भी और इसका भी। अभी ये 1 तारीख का डेटा आ गया है हमारे पास, ठीक है, यहाँ आ गया है। तो इसको अब हम कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ आके, ठीक है, यहाँ आके कंट्रोल शिफ्ट और वी दबा के पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये अपने पास आ गया। यहाँ इसको थोड़ा डेट फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, इसमें बार बार हो रहा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं जो आपका स्टॉक शीट रहेगा, ठीक है, उसमें आपको किस तरह से डेटा को यहाँ लेना है। आपके पास ये मिल गया। अब रिलायंस का जो ये मैंने बना रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको ये स्टॉक शीट मिलेगी, इसमें ओपन हाई लो क्लोज, उसके बाद चेंज कितना चेंज हुआ, आप चेंज परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, यहाँ वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद 5% 5 दिन का कितना परसेंट डिलीवरी है और वॉल्यूम कितना है, कितने परसेंट है 5 दिन का, डिलीवरी कितनी है और क्या उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 दिन का एवरेज क्या है वो है। ऐसे ही अपना फ्यूचर एक्टिविटी का है, तो ये वाला भी मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में दे देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी ये वाली शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।